हे गाइस माय नेम इज़ पौरुश एंड वेलकम बैक आई नो आई हैव बीन ऑफ द ग्रिड फॉर सम टाइम नाउ आई हैव नॉट बीन एक्टिव ऑन दिस चैनल बट लाइक आई मैंशन इन माय कम्युनिटी पोस्ट दैट दिस इज़ नॉट माय फुल टाइम गिग राइट नाउ दिस इज़ रादर अ पैशन प्रोजेक्ट आज इस वीडियो में मैं सिनेमा के बारे में कोई भी बात नहीं करूँगा मैं किसी फिल्म के बारे में बात नहीं करूँगा किसी टी सीरीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा Uh, किसी पर्टिकुलर स्क्रीन राइटिंग टेक्निक सिनेमैटिक टेक्निक आज हम ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे आज मैं बात करना चाहूँगा आपके बारे में यस, यू टुडे आई वांट टू टॉक अबाउट यू एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वांट टू थैंक यू आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु डिसाइडेड टू सपोर्ट दिस चैनल हु डिसाइडेड टू सपोर्ट माई पैशन प्रोजेक्ट

सच बताऊं तो मैं बहुत डरता था मुझे बहुत डर लगता था कि यार मैं जब अपनी वीडियो डालूँगा तो जो लोग देखेंगे वो क्या सोचेंगे वो कहेंगे कि यार क्या बना दिया ये मुझे सच में बहुत डर लगता था बिकॉज़ सिनेमा uh, एक ऐसी चीज़ है जिसको लेकर ऑब्वियसली सबके थॉट्स बहुत अलग हो सकते हैं एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ सिनेमा सिनेमा को लेकर आपके बहुत सारे अलग अलग थॉट्स हो सकते हैं मेरे भी कुछ थॉट्स थे कुछ फिल्म्स को लेकर कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर जिनको देखकर मैं जिसको कहते हैं कि मंत्रमुग्ध हो गया था आई वॉज सो फ्लाटर्ड एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्रेस ऑल माई थाट्स ऑल माई इमोशंस ऑन अ प्लेटफॉर्म सो आई टुक द स्टेप ऑफ मेकिंग दिस चैनल एंड कॉलिंग इट लॉन्ग लि सिनेमा उस वक्त मैंने सच में मतलब आई नो ये लाइन बहुत क्लीशे लगेगी आपको बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने उस टाइम सच में नहीं सोचा था कि ये चैनल सौ सब्सक्राइबर्स भी क्रॉस कर पाएगा आई डिड नाट हैव एनी आइडिया आई हैड मतलब ज़ीरो मोटिवेशन जिसको कह सकते हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि यार ये चैनल कुछ कहीं पहुंच पाएगा बट यू गाइज यू गाइज मेड इट हैपन

आई स्टिल remember मैंने जिस मंथ में उसे अपलोड किया था उसी मंथ के ख़त्म होने से पहले उस वीडियो पर वन लाख व्यूज़ हो चुके थे विच वॉज़ एप्स क्रेज़ी एप्स क्रेजी और ऐसी कई सारी चीज़ें हुई जिनके बाद मेरा जो डर था वो कम होने लगा uh, कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में ऐसा कभी कुछ होगा कोर्स uh, बुलबुल का सक्सेस तो था ही Uh, मेरे दिमाग में ये था कि शायद किसी तरह से जो मेरे एफर्ट्स हैं अगर वो फ़िल्म मेकर्स के पास पहुंचे जिन जिन लोगों ने उस फिल्म को बनाया है उन तक पहुंचे तो मज़ा ही आ जाएगा और ऐसा हुआ मतलब मुझे पहले लगता था कि ये चीज़ बिल्कुल इम्पॉसिबल है बट इट हैपन्ड देर आर सम अचीवमेंट्स जो मैं इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगा इस चैनल के कुछ ऐसे अचीवमेंट्स जो आपके सपोर्ट से ही पॉसिबल हो पाई हैं एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट सबसे पहला अचीवमेंट तो ये कि द लिफ्ट बॉय पर जो मैंने वीडियो बनाई थी जिस पर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना प्यार दिखाया था यू गाइज शोड टन ऑफ सपोर्ट ऑन दैट वीडियो जॉनेथन अगस्टिन जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं उन्होंने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया था Uh, और साथ में उनका कमेंट uh, भी है उस वीडियो पर uh, मैंने उस कमेंट को पिन किया हुआ है सो या दैट वाज द फर्स्ट बिग मोमेंट और uh, ये बुलबुल बुल से पहले की बात है बुलबुल बुल से पहले की बात है दिस वाज द फर्स्ट बिग मोमेंट उसके बाद uh, कई सारे और भी चीज़ें हुई जैसे कि उमेरता पर मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो को अगले दिन मतलब जिस दिन मैंने अपलोड किया उसके अगले दिन हंसल मेहता सर ने अपने ट्विटर पर शेयर किया था सोया दैट वाज अगेन अ बिग बिग डील मैंने भोसले पर एक uh, वीडियो किया था जिसमें मैंने भोसले की सिनेमाटोग्राफी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी और uh, उस वीडियो पर आई थिंक नेक्स्ट डे या फिर uh, Uh, एक दिन बाद देवशीष मखीजा जो भोसले के डायरेक्टर हैं उन्होंने कमेंट किया था ही लव्ड द वीडियो एंड ही सेड दैट पीपल लाइक यू आर एम्पावरिंग फिल्म मेकर्स लाइक मी ये लाइन मुझे मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड था जिसको कहते हैं लाइक like, सबसे बड़ी उपाधि थी मेरी जिंदगी ये एंड नॉट जस्ट दैट मनोज बाजपाई सर ने भी उस वीडियो को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया था सो आई मीन वो दिन तो खैर मैं क्या बोलूँ मैं रात में सो ही नहीं पाया था बिकॉज आई कुड नॉट बिलीव दैट आई जेनविनली कुड नॉट बिलीव दैट दी मनोज बाजपाई शेयर्ड माई वीडियो ऑन हिज ट्विटर अकाउंट एंड द डरेक्टर ऑफ दैट फिल्म द डायरेक्टर ऑफ दैट एब्सल्यूटली फैंटेस्टिक फिल्म डिसाइडेड टू शेयर uh his thoughts about my video decided to comment on my video so it was a huge huge deal for me and this all of this was possible only because of you guys you guys supported this channel you guys decided to subscribe to this channel you guys decided to click on my videos watch them share your comments it was possible only because of you guys and now we have crossed 1000 subscribers सो थैंक यू एवरी वन आई वॉन्टेड टू थैंक मतलब अगर सच में यार अगर मेरे बस में होता तो मैं एक हज़ार जितने भी लोग हैं एक हज़ार वन थाउजेंड से थर्टी सेवन पीपल अभी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वन थाउजेंड थर्टी सेवन में एक एक इंसान से हाथ मिलाकर गले मिलकर उनको थैंक यू बोलता आई नो आप कहोगे कि यार नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर दिया बट ट्रस्ट मी आई वुड हैव डन दैट अगर मेरे बस में होता तो आई वुड हैव डेफिनेटली डन दैट thank you so much everyone for for making long live cinema into an entity for supporting it for allowing me you know for allowing me to be on this platform so that i can you know keep sharing my thoughts my learnings with you guys and guys there is another thing that i wanted to share with you Joe videos aage release hongi wo उनका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा आई वॉन्टेड टू मेक दोज वीडियोज़ लिटल मोर कॉन्वर्जेसनल इसीलिए उनमें आपको थोड़ी सी पॉडकास्ट वाली वाइब्स दिखेंगी आई होप यू लाइक दैम थोड़ा सा लंबी वीडियोज़ बनेंगी पंद्रह से बीस मिनट तक की वी विल टॉक अबाउट फिल्म वी विल टॉक अबाउट पर्टिकुलर सीन्स ऑफ फिल्म टी वी शोज आई वॉन्ट टू मेक दिस कम्यूनिटी एज़ कम्युनिकेटिव एज पॉसिबल

to be on this platform I am saying this because uh, i'm sure there are a lot of people uh, not just in india but across the globe who decide to start a youtube channel but unfortunately unke 1000 to 100 or 200 subscribers bhi ho but i am one of those lucky guys who is able to reach to this level now and aage chalke, uh, i'm sure we will cross many more

Goodbye, stay safe, long live cinema.